हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कक्षा 10 की साइंस के सिलेबस के बारे में बता दिए थे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आज आप लोगों का टाइम न लेते हुए आज हम आप लोग के साइंस का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज आपके पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी लाइट क्या होती है। तो चलिए आज हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिनके पास आँख है तो आँख के साथ साथ प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो आखिर वो प्रकाश क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब बात प्रश्न ये उठती है कि किसी ऑब्जेक्ट को प्रकाश की सहायता से कैसे देखा जा सकता है, लाइट की सहायता से कैसे देखा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं जरा सा हम लोग क्या करते हैं। एक कोई मान लेते हैं, ये कोई एक वस्तु था। अब क्या होती है कि अब जब सूर्य से आने वाली जो ये प्रकाश किरणें रहती हैं, जब इनसे प्रकाश किरणें चलती हैं और ये इन वस्तु पे पड़ती हैं, तो वस्तु से टकराने के पश्चात क्या हमने बताया, एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जब ये सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश हैं जब किसी वस्तु पे पड़ती हैं और वस्तु से टकराने के पश्चात, ये मान लीजिएगा कोई इंसान खड़ा था, कोई प्रेक्षक खड़े थे, तो ये प्रेक्षक की आँख पर पड़ती है, तो जिसके कारण ये जो वस्तु होती है वो दिखाई पड़ जाती है। हमने आपको बताया कि जब किसी सूर्य से या कोई भी प्रकाश स्रोत हो, अभी बता देंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जब किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरणें निकलती रहती हैं, जब किसी वस्तु पे पड़ती हैं, किसी वस्तु पे पड़ने के पश्चात हमारे आँखों पे संवेदित करती हैं, तो ये वस्तु हमको दिखाई पड़ जाता है। अगर जिन वस्तुओं से ये प्रकाश टकरा के जो है वापस नहीं लौटती, तो वे वस्तुएँ हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो बात यहाँ समझ में आई कि प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। तो अगर आप प्रकाश लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तुओं को देखा जा सकता है। ये कैसे दिखाती हैं वस्तुओं को, जब ये वस्तुओं पे पड़ती हैं, वस्तुओं से टकराने के पश्चात वापस हमारे आँखों पे पड़ती हैं, जिसके कारण वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं। बात क्लियर हुआ, समझ में आया भैया? तो चलिए अगर आप लोग एक छोटी सी डिफिनीशन लिखना चाहते हो प्रकाश के बारे में, तो लिख सकते हो, क्या लिखा जा सकता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। ठीक, ये बात है। अब आप लोगों के मन में ये मानसिकता उठी कि प्रकाश तो हो गया, अभी सर ने चर्चा किया था कि किसी प्रकाश स्रोत से ना, तो जान लेते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। आइए हम लोग जानते हैं, अगली हेडिंग बनाते हैं, प्रकाश स्रोत। स्रोत क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं स्रोत क्या होता है। जैसे आपने क्या कहा कि ये कोई क्या हो गए, आपने कहा कि जैसे ये कोई नल हो गए, क्या हो गए भैया, ये कोई नल हो गए। अब इस नल से क्या निकल रहा था, जल निकल रहे थे। तो हमने कहा कि ये किसका स्रोत है भैया, ये पानी का स्रोत है, जल का स्रोत है, तो ये जल का स्रोत हो गया। अब हमने कहा कि ये कोई हो गए, आपने बाईसाइकिल बना लिया, मोटरसाइकिल बना लिए, क्या बना लिए, तो हमने कहा कि ये किसके स्रोत हो गए, ये चलने के स्रोत हो गए, यानी किसके भी, ये दूरी तय करने का साधन हो गया। अब जैसे आपने क्या कहा कि ये मार्कर क्या है, लिखने का स्रोत है ना, इससे क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो ये मार्कर क्या है, साधन है, यानी स्रोत का मतलब होता है साधन। अब बात आती है प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, तो हम अगर बता दें कि जैसे आपने क्या कर लिया कि ये कोई टार्च ले लिया और उस टार्च से क्या निकल रही थी, प्रकाश निकल रही थी, तो हमने कहा कि भाई ये टार्च क्या है, प्रकाश का स्रोत है, ये जो टार्च है वो क्या है, प्रकाश का स्रोत है, तो हम यहाँ ये बता सकते हैं कि इससे क्या निकल रही है, प्रकाश किरणें निकल रही हैं, इसलिए हमने इनको कह दिया प्रकाश के स्रोत हैं। तो बात यहाँ आपको क्लियर हो जानी चाहिए प्यारे बच्चों, कि जिन
स्रोत से जिन साधन से प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलती रहती हैं, वही साधन वही स्रोत आपके क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि जिन साधन से जिन स्रोत से प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलती रहती हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है। लिखने से पहले बता देते हैं कि प्रकाश स्रोत के प्रकार कितने होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है भैया? दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या है भैया? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ध्यान समझिएगा, हमने क्या बताया, दीप्त प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ध्यान से समझिएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। चलिए बताते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जिनके पास किसका प्रकाश होता है? स्वयं का प्रकाश होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। आइए जैसे एक आध दो एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को। हमने क्या कहा, एक हमने क्या ले लिए, एक कैंडल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक कैंडल ले लेते हैं। अब इस कैंडल को जब आप लोग जलाते होंगे, ये मान लीजिएगा ये कोई कैंडल था, आप जब इस कैंडल को जलाते होंगे तो ये कैंडल से क्या निकलती है, ये कैंडल से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं, क्या ये किसी दूसरे से लेने जाता है? नहीं लेने जाता। आप क्या किए, आप इसको जलाए, इससे प्रकाश स्वयं से निकलने लगे, यानी इनके पास स्वयं का प्रकाश था। आप विद्युत बल्ब ले लीजिए, उनको जलाएंगे तो उनसे भी प्रकाश स्वयं निकलने लगते। तो इसी को हम लोग कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी ऐसे प्रकाश के साधन, वे प्रकाश के साधन जिनसे प्रकाश, जिनके पास प्रकाश स्वयं का रहता है, वो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे आपके क्या हो गए, टार्च हो गए, मोमबत्ती हो गए, बल्ब हो गए, लालटेन हो गए, ये सब क्या है भैया? दीप्त प्रकाश स्रोत है। सूर्य आपका दीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि सूर्य किसी से प्रकाश लेता नहीं है। चलिए, तो ये बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों? तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हो, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वह ऐसे प्रकाश स्रोत, लिख देते हैं थोड़ा सा, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे मैं क्या ले सकते हो भैया, मोमबत्ती ले सकते हो। क्या ले सकते हो? मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, और क्या ले सकते हो? सूर्य हो सकता है। ये सब आपके क्या हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। ऐसे स्रोत, ऐसे साधन, ऐसे प्रकाश के वे साधन जो स्वयं के प्रकाश तो नहीं होता, किसी दूसरे से लेके चमकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों? हमने ये बताया कि ऐसे प्रकाश के साधन, ऐसे प्रकाश के स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं रहता, वो किसी दूसरे से लेके चमकते हैं, किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो क्या बताया गया, जैसे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रखा जाए, क्या आप जो लकड़ियाँ होती हैं, जो मेज होते हैं, जो कुर्सी होते हैं, जो आपके चंद्रमा है, जो ये सब क्या है, चंद्रमा, ये सब क्या है भैया? ये सब अदीप्त प्रकाश स्रोत है, ये किसी दूसरे से प्रकाश लेते हैं और चमकते हैं। क्या आपको जो मेज होते हैं, जो टेबल होते हैं, ये सब वस्तुएँ कभी दिखाई पड़ती हैं? तब दिखाई पड़ती होंगी जब इनके ऊपर प्रकाश पड़ता होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग खुद ही एक अदीप्त हैं, हम लोग खुद एक अदीप्त हैं। हम लोगों को कब दिखाई पड़ता है? जब हम लोगों के ऊपर प्रकाश पड़ता है, तब हम लोग किसी दूसरे को दिखाई पड़ते हैं। तो लिख सकते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं रहता है, किसी दूसरे के कारण चमकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो ये हेडिंग दोनों क्लियर हो गई भैया। अब हम लोग के वह अपनी अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या बना लेते हैं? चलिए, क्या अगली हेडिंग आपका है,
प्रकाश के गुण। बोर्ड पेपर में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रकाश के 4 गुण लिखिए, प्रकाश के 5 गुण लिखिए, तो हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में जान लेते हैं। आप इस हेडिंग को जो है इम्पोर्टेंट की तरह बना लीजिएगा कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है वो आप ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। चलिए, जितने गुण आपको पता होने चाहिए उतने हम आपको बता देंगे। सबसे पहली बात होती है, क्या आपने कभी देखा कि कोई भी प्रकाश जो होता है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में आपने चलते हुए देखा है? नहीं देखे होंगे, अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। क्या करती है? गमन करती है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनाते हैं कि विभिन्न माध्यम होते हैं, जो भी कोई भी माध्यम हो, जैसे आपका क्या हो जाए, जल हो जाए, वायु हो जाए, कांच हो जाए, जो भी हो जाए, किस विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक, अब बात आई कि प्रकाश की चाल होती कितनी है, तो प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात ये एक सेकंड में लगभग 3×10⁸ मीटर दूरी तय कर लेता है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, आपको एक बात पता होना चाहिए, जैसे हम लोग जो है खेत को भरने लगते हैं, तो भरते समय क्या करते हैं कि पानी जब ले जा खेत को भरना रहता है तो पानी की आवश्यकता पड़ती है, पानी के साधन से पानी आता है। अब पानी का साधन ही क्या कहलाता है, पानी का स्रोत कहलाता है। उसी प्रकार प्रकाश के जो साधन होते हैं वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो प्रकाश स्रोत तो हम लोग बता चुके हैं ना, हमको क्या जानना है, हमको माध्यम जानना है। तो पानी लाने के लिए, खेत तक लाने के लिए नाली की आवश्यकता पड़ती है या तो पाइप की आवश्यकता पड़ती है। प्यारे बच्चों बताइएगा, नाली या पाइप की आवश्यकता पड़ती है ना? क्या प्रकाश, अगर हम आपसे पूछे कि प्रकाश को अगर 10 मीटर या 20 मीटर दूरी से ले आना हो कहीं, तो क्या प्रकाश को लाने के लिए आपको नाली और पाइप की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कहोगे माध्यम क्या होता है, माध्यम वो होता है जिससे, जैसे पाइप लाए तो पाइप माध्यम, नाली है तो नाली माध्यम, अर्थात ऐसे किसी भी माध्यमों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये हो गए इनके 4 प्रॉपर्टी। अब चलते हैं 5वें प्रॉपर्टी की तरफ, आपको बताते हैं जो प्रकाश होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। जितने प्यारे बच्चे हैं वो लोग अगर सोच रहे होंगे कि प्रकाश को तो हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश सफ़ेद होता है, पीला होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, बल्कि प्रकाश को, प्रकाश की माध्यम से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। तो ये भी प्रॉपर्टी हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या नोट करते हैं, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। ठीक, तो फिलहाल अब आपकी क्लास की अगली टॉपिक है, आपने अभी यही लिखा था कि सर ये देखिए, ये सर यहाँ क न हो के माध्यम होना चाहिए था, तो ये जो आपने लिखा माध्यम, क्या होता है प्रकाशिक माध्यम। तो आइए अब हम लोग अगली हेडिंग बनाते हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है,
तो प्रकाश चलने के लिए, प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश चलने के लिए या प्रकाश संचरण करने के लिए जिन माध्यमों को अपनाता है, जैसे अगर प्रकाश जल में से गई तो जल प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा, वायु में से गया तो वायु प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा, कांच में से गई तो कांच प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। यानी यहाँ हमको ये बात पता होना चाहिए कि अगर प्रकाश आपका इसमें से गया तो ये प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा, इसमें से गया तो ये प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। तो यानी प्रकाश संचरण करने के लिए जिन माध्यमों को अपनाता है, जिन पथ को अपनाता है, जिन मार्ग को अपनाता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। हमने क्या बताया? प्रकाश संचरण करने के लिए, प्रकाश चलने के लिए जिन मार्ग को अपनाते हैं, जिन पथ को अपनाते हैं, वही मार्ग वही पथ ही क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? प्रकाश संचरण हेतु, संचरण हेतु जिन मार्ग को अपनाता है, जिन मार्ग को अपनाता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। ठीक, ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। क्या होते हैं भैया? पारदर्शी माध्यम होते हैं। दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम होता है? अपारदर्शी माध्यम। तीसरा क्या होता है? पारभासक माध्यम। कौन सा माध्यम होता है? पारभासक माध्यम। आइए हम आप लोगों को चर्चा करते हैं कि आखिर पारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनके ऊपर प्रकाश पड़ने के बाद आर पार कर जाता है, या ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश आर पार कर जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। हमने क्या बताया भैया? ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश क्या कर जाता है? आर पार कर जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। यानी अगर हमने कहा कि जैसे अगर कोई जो है क्या ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कांच। अब कहोगे सर कांच क्या होता है? ऐसा कोई चिकना पृष्ठ जिसका जो दूसरा पृष्ठ हो कलई न किया गया हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? कांच कहलाते हैं। जब कोई कांच जब कोई प्रकाश कांच पे पड़ता है तो ये प्रकाश किरणें इन पे पड़ने के पश्चात वो लौटती नहीं बल्कि क्या हो जाती हैं? इस कांच को पार कर जाती हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश आसानी से पार कर लेता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे वायु हो गए, कांच हो गए, गैस हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। एक बार प्यारे बच्चों फिर से बोल दे रहे हैं, ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश आसानी से पार कर लेता है, वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग अपारदर्शी माध्यम जानते हैं क्या होता है। आप इनका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो वायु लिख सकते हो, कांच लिख सकते हो, ठीक, इत्यादि। उसके बाद अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम आपके क्या होते हैं? ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है, अर्थात अगर यही कांच के बजाय अगर हमने इनको पॉलिश कर दें और ये क्या हो जाए? पेंट हो जाए। इनको आप किसी पेंट से पॉलिश कर दोगे तो ये जो प्रकाश किरणें हैं इस पे पड़ेंगी और पड़ने के पश्चात क्या हो जाएंगी? लौट जाएंगी, यानी इधर प्रकाश आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये आपके कांच नहीं, ये आपके क्या हो जाएंगे? शीशा यानी दर्पण हो जाएंगे। तो यानी ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको क्या प्रकाश आर पार नहीं कर पाता, जिनको प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दर्पण। और क्या हो सकता है? आपके लकड़ी हो गए। और क्या हो जाएंगे? दीवार हो गए भैया। ये सब क्या है? आपके अपारदर्शी माध्यम होते हैं। क्या दीवार को प्रकाश पार कर पाता है? नहीं कर पाता, तो आपके अपारदर्शी माध्यम हो गए। लास्ट आता है पारभासक माध्यम।
पारभाषक माध्यम क्या होते हैं? ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का अधिकांश भाग पार कर जाता है और कुछ भाग बचा रह जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों? ऐसी प्रकाशिक माध्यम, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का अधिकांश भाग पार कर जाए और कुछ भाग बचा रह जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, तेल से भिगा हुआ कागज, तेल से भिगा हुआ कागज या मटमैला पानी या दूषित पानी, तो वो आपके क्या होते हैं? पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल एक हम आपको यहीं पर दिखा देते हैं कि प्रकाश के अधिकांश भाग उसको पार कर जाते हैं, कैसे नहीं करते वो आपको दिखाते हैं। ठीक सौरभ सर, जैसा कि प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने बताया कि पारभाषक माध्यम क्या होते हैं, ऐसे प्रकाशिक माध्यम जिनको प्रकाश का अधिकांश भाग पार कर जाता है और कुछ भाग रह जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। जैसे हमने कहा था, अगर आप इसका करना चाहते हो, प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, तो एक कागज़ लीजिएगा, उसे तेल से भिगो देंगे तो उसमें देखेंगे प्रकाश का कुछ भाग रह जा इधर रहेगा, कुछ भाग उधर दिखाई पड़ेगा। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, आइए दिखाते हैं कैसे। एक आप यहाँ तो फिलहाल हमारे पास एक सादा कागज है, आप इस सादे कागज को देख रहे हैं, ये पारभाषक माध्यम का काम कर सकता है। आप देखिए हम आप लोगों की तरफ क्या करते हैं, ये दिखाते हैं, ऐसे देखिएगा। आप देखिए कि ये जो टार्च है, ये जो प्रकाश है, वो प्रकाश का कुछ भाग आपको जो है उस पार दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ भाग प्यारे बच्चों इस पार दिखाई पड़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, कुछ भाग जो है इस पार दिखाई पड़ रहा है और प्रकाश के कुछ भाग उस पार दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल या इसका प्रैक्टिकल घर पर कर सकते हैं, तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि पारभाषक माध्यम क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश तो जान गए, अब प्रकाश किरण क्या होता है? कभी कभी बहुत रेयर केस में पूछ लिया जाता है बच्चों से कि प्रकाश किरण क्या होता है, आप बताइए। तो प्रकाश किरण क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी एक सीधी रेखा में गमन करने लगती है या जब कोई प्रकाश किरण एक रेखा में चलने लगती है, तो वो प्रकाश क्या कहलाती है? प्रकाश किरणें कहलाती है। हमने क्या बताया कि जब किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किसी एक निश्चित दिशा में गमन करने लगे, किसी एक निश्चित दिशा में चलने लगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रकाश किरण कहलाते हैं। ऐसे आपको नहीं तो जरा सा एक एग्जाम्पल आप समझिएगा, आप क्या कहते हो कि जैसे आपने क्या ले लिया कि आपने सूर्य ले लिया, क्या ले लिए भैया? सूर्य ले लिए। तो ये सूर्य हो गए, मान लीजिएगा आपके क्या हो गए? ये सूर्य हो गए। अब इनसे जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या होती हैं कि ये धरती हो गई, ठीक। अब ये जो सूर्य की प्रकाश किरणें हैं वो यहाँ से तो चलती तो हैं चारों तरफ, पर सभी प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में क्या करती हैं? पृथ्वी की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। ये पृथ्वी की ओर आगे की तरफ चलती, यानी पृथ्वी की ओर चलने लगती हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्यों प्रकाश किरण कहते हैं? क्योंकि इनसे निकलने वाली जो प्रकाश है वो सभी प्रकाश की दिशाएँ जो है, सभी किरणों की जो दिशाएँ हैं वो पृथ्वी की ओर है, वो एक निश्चित दिशा में गमन कर रही हैं, तो इसलिए हमने क्या कहा? ये प्रकाश है। अगर यहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, आप लोग कभी देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि कोई जो है विद्युत बल्ब जलता रहे, क्या जलता रहता है? कोई विद्युत बल्ब जलता रहता है, थोड़ी सी विद्युत बल्ब आप लोग बना लीजिएगा, तो ए विद्युत बल्ब अगर कोई जलता रहे, उसके बाद क्या होता है कि इनसे प्रकाश जो है वो चारों तरफ निकलते रहते हैं। तो क्या आप लोगों ने किसी के द्वारा ये सुना है कि बल्ब से प्रकाश किरण निकल रही है? नहीं, आप लोग भी प्यारे बच्चों ये नहीं कहते होंगे कि बल्ब से प्रकाश किरणें निकल रही है। आप क्या कहते हैं? बल्ब से उजाला निकल रहा है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। क्यों कहते हो? क्योंकि उनसे निकलने वाली जो प्रकाश है वो चारों दिशाओं में फैली रहती है, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं रहती है, तो हम उनको प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश किरण क्या होता है? जो एक निश्चित दिशा में गमन करने लगती है, एक सरल रेखा में गमन करने लगती है, वही आपका क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। ये बात समझ में आई बच्चों? तो आप लिख सकते हो इतना।
क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश एक निश्चित दिशा में गमन करने लगती है तो वो प्रकाश क्या कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाती है। अगर इसी में एक हेडिंग और बना दिया जाए प्रकाश किरण पुंज, तो वो आप क्या बताओगे कि प्रकाश किरणों का झुंड, प्रकाश किरणों का समूह, कई प्रकाश किरणें जहाँ एक साथ हों वो हमारे क्या कहलाते हैं, पुंज कहलाते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहलाते हैं। पुंज का मतलब होता है समूह, इकट्ठा, ठीक, तो समूह ग्रुप। तो हमने क्या बताया, प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश किरणों का झुंड ही क्या कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है अभिसारी, क्या होता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। फिर दूसरा क्या आता है भैया, दूसरा आता है अपसारी, क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और तीसरा क्या आता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो आइए हम लोग जान लेते हैं जरा सा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं। ऐसे प्रकाश किरणों का समूह, ऐसे प्रकाश किरणों का समूह, तो हम मानते हैं वो समूह, हमने मान लिया ये कोई है, ये मान लिया कि कोई एक समूह है। अब क्या होता है कि क्या हुआ, हमने बताया ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जहाँ पर सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, आकर मिलती हैं, जहाँ पर सभी प्रकाश किरणें आके क्या होती हैं, मिल जाती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं भैया, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रही, प्रकाश किरणों का समूह है ना, क्या है भैया, समूह है, झुंड है, कई प्रकाश किरणें हैं। तो हमने बताया ऐसे समूह, इस समूह यही है समूह, तो ऐसे समूह, ऐसे प्रकाश किरणों का झुंड जहां पर सभी प्रकाश किरणें आके मिल जाती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अब बात आती है अपसारी, तो जस्ट इसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों। हमने क्या बताया कि ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जहाँ से प्रकाश किरणें क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती रहती हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाते हैं। ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जहाँ से प्रकाश किरणें फैलती हैं, जहाँ से प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाते हैं। एक लास्ट आता है समांतर प्रकाश किरण पुंज, क्या होता है, तो ऐसी प्रकाश किरणें जो लाखों मीलों दूरियां तय कर ले पर एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, या ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जो साथ तो चलती हैं पर एक दूसरे से बेचारी कभी मिलती नहीं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समांतर प्रकाश किरणों के पुंज कहलाते हैं। तो हमने क्या बताया भैया, ऐसी प्रकाश किरणों के समूह जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी एक दूसरे से काटती नहीं है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं कभी नहीं मिलती, वैसे ये भी किरणें बेचारी कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, पर आपके अगली क्लास में प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की कक्षा 10 की पूरे साइंस के एक एक भाग की पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। आपके पेपर होने से पहले हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को हम लोग पढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।